नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग मध्यकालीन इतिहास का भाग दूसरा देखेंगे। इसके पहले जो है भाग एक में हम लोग UPPCS 2012 से लेकर के 2019 तक ये प्री एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को देखे थे। इसमें हम लोग UPPCS 2012 से लेकर के 2017 तक के मेन्स एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए और इसका आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहां से ज्वाइन करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर जो है आप एग्जाम लर्नर सीधे लिखिएगा टेलीग्राम पर जाकर के EXAMLEARNER कोई भी स्पेस मत दीजिएगा, आ जाएगा आपका, वहां से भी आप ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मध्यकालीन इतिहास का भाग दूसरा। तो इसमें आपका 2017 UPPCS मेंस में जो पूछा गया प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी प्रारंभ की थी? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, गुरु अंगद ने। गुरुमुखी यह पंजाबी शब्द गुरामुखी से बना है, जिसका अर्थ है गुरु के मुख से। गुरुमुखी लिपि की वर्णमाला का सृजन दूसरे सिख गुरु अंगद द्वारा 16वीं शताब्दी में गुरु ग्रंथ साहिब लिखने के लिए प्रयुक्त किया गया था। तो यहाँ आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है वो आपका, बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास ने, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बहुत सफलता प्राप्त की थी। अलाउद्दीन का आर्थिक सुधार, एक बड़ी सेना का भरण पोषण, काला बाजारी को रोकना और विद्रोहों पर अंकुश लगाने के लिए था। इन सब के लिए सुल्तान ने बाजार में मूल्य नियंत्रण के लिए कई नियम और प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति भी की थी। उसने मलिक कबूल को सहना ए बाजार अधीक्षक नियुक्त किया और उसको मूल्य में स्थिरता बनाए रखने के लिए कई सहायक और विस्तृत अधिकार दिए, जिससे नियमों को उसने बड़ी कठोरता से लागू किया, जिसका परिणाम हुआ कि मुनाफाखोरी और काला बाजारी वे बंद हो गया था। तो यहाँ सी विकल्प सही हो जाएगा, बहुत सफलता मिली थी। अगला प्रश्न है आपका, सल्तनत काल में दीवान ए अमीर को ही विभाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो ये आपका कृषि से संबंधित था, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए एक नए विभाग दीवान ए आमिर को ही की स्थापना की। इस विभाग का मुख्य कार्य कृषकों को प्रत्यक्ष सहायता देकर अधिक भूमि कृषि कार्य के अधीन लाना था। अगला प्रश्न है वह आपका, कि निम्नलिखित में कौन पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था? तो वह था मोहम्मद बिन तुगलक, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल क्रांतिकारी योजनाओं के लिए जाना जाता है, जिसमें उसकी प्रमुख योजना मुद्रा व्यवस्था से संबंधित थी। सुल्तान ने तांबे तथा इससे मिश्रित कांसे के सिक्के जारी किए, जिनका मूल्य तत्कालीन जारी चांदी और सोने के सिक्के के बराबर था, जिसे सांकेतिक मुद्रा कहा गया। ऐसा प्रयोग करने वाला मोहम्मद बिन तुगलक भारत का पहला सुल्तान था। यह योजना बाजार में अव्यवस्था उत्पन्न होने के कारण जो है असफल रही थी। अगला क्वेश्चन है आपका, कि निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया? तो वह था अमीर खुसरो, ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। इन्होंने दिल्ली सल्तनत में 7 सुल्तानों का काल देखा था। नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी या हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता अमीर खुसरो स्वयं को तूतीय हिंद अथवा हिंदुस्तान का तोता कहता था। अमीर खुसरो की रचनाओं का महत्वपूर्ण तत्व उनका भारतीय पर्यावरण के इर्द गिर्द रचनाओं का आविष्कार हुआ था। तो ये जो है प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि किसने जो है दिल्ली सल्तनत के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था? तो वह था आपका निजामुद्दीन औलिया, ये प्रश्न पूछा भी गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का निम्नलिखित में पहला शासक होने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो गयासुद्दीन तुगलक को दिया जाता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी और गयासुद्दीन तुगलक ने कृषकों की स्थिति में सुधार के लिए अनेक प्रयास किए। उसने मुकद्दम तथा खूतों को उनके पुराने अधिकार लौटा दिए और गयासुद्दीन ने लगान निश्चित करने में बटाई का प्रयोग फिर से प्रारंभ कर दिया, ऋणों की वसूली को बंद करवा दिया और भू राजस्व की दर को 1/3 किया तथा सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया। सिंचाई हेतु नहर निर्माण कराने वाला गयासुद्दीन पहला शासक था। तो सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा आपका।
अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम कालक्रमानुसार संयोजित कर नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला है आपका नागभट्ट द्वितीय, दूसरा है महिपाल, तीसरा है महेंद्रपाल, चौथा है आपका वत्सराज। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 4132। वत्सराज का जो शासनकाल था यह था 775 से लेकर के आपका 800 ईस्वी। उसके बाद जो है आपका नागभट्ट द्वितीय का शासनकाल जो रहा वह 800 से लेके 835 ईस्वी। उसके बाद जो है आपका महेंद्रपाल का शासनकाल रहा 885 से 910 ईस्वी। उसके बाद जो है आपका महिपाल का शासनकाल था 912 से 944 ईस्वी के बीच। तो यहाँ आपका क्रम से देखा जाए तो सबसे पहले वत्सराज, फिर जो है आपका नागभट्ट द्वितीय, फिर जो है महेंद्रपाल और लास्ट में आपका महिपाल। 4132 बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है आपका, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ जो है आप देख सकते हैं, तो पहला है आपका ये दिया गया है भीमसेन कायस्थ, तो यह हो जाएगा आपका तारीख है दिलकुशा, भीमसेन कायस्थ तारीख है दिलकुशा, यानी कि ये का चौथा हो जाएगा। उसके बाद चंद्रभान ब्रह्मन का संबंध हो जाएगा चहार चमन से, तो बी का पहला हो जाएगा। उसके बाद सी है ईश्वरदास नागर, ईश्वरदास नागर का संबंध हो जाएगा फुतुहात ए आलमगीर से, तो सी का हो जाएगा दूसरा। और डी है सुजान राय भंडारी, तो इनका संबंध होगा खुलासत उत तवारीक से, तो डी का तीसरा हो जाएगा। 4123 इस ऑप्शन में होगा, वैसे ही हो जाएगा आपका 4123। आप देख सकते हैं विकल्प डी जो है यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अब आपका, शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? तो ये आपका UPPCS 2016 मेंस में जो है पूछा गया है। इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी से हो जाएगा, रायगढ़ में। शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक वह आपका 1674 ईस्वी में रायगढ़ में हुआ था। काशी के पंडित गंगा भट्ट ने उनका राज्याभिषेक किया था, तो ये भी जो याद रखिएगा काशी के पंडित थे गंगा भट्ट, द्वारा जो है इनका राज्याभिषेक कराया गया था। सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है आपका, वहमनी राज्य स्थापित हुआ था? तो ये आपका 14वीं सदी ईस्वी में जो है स्थापित हुआ था, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1347 ईस्वी में जफर खान ने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करके नवीन बहमनी राज्य की स्थापना की थी। वह एक उदार शासक था तथा उसने हिंदुओं से जजिया न लेने का आदेश दिया था, तो यहाँ बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अब आपका, निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे? तो वह था आपका लोदी वंश, डी ऑप्शन जो है सही हुआ यहाँ। दिल्ली सल्तनत में लोदी वंश के शासक अफगान मूल के थे। लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी द्वारा 1451 ईस्वी में किया गया था। इस वंश का शासनकाल जो था आपका 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक रहा। अंतिम लोदी शासक जो था वह इब्राहिम लोदी था, जिसको 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में पराजित करके बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। तो अंतिम लोदी शासक पूछा जाएगा तो वह था इब्राहिम लोदी। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस चोल शासक को चोल गंगम नामक बृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है? तो यह राजेंद्र को दिया जाता है, बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। राजेंद्र प्रथम ने गंगा घाटी के सफल अभियान के पश्चात गंगई कोंड की उपाधि धारण की और गंगई कोंड चोलपुरम नामक एक नई राजधानी की स्थापना की तथा चोल गंगम नामक एक कृत्रिम झील का निर्माण भी करवाया था, तो बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है आपका, दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? तो वह शेर शाह सूरी ने, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण शेर शाह सूरी ने अपने शासनकाल में 1540 से लेके 1545 ईस्वी के बीच करवाया था। यह किला नई दिल्ली में यमुना नदी के किनारे स्थित प्राचीन दीनपनाह नगर का आंतरिक किला है, तो ये ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो वह था आपका इल्तुतमिश, सी ऑप्शन जो है यहाँ सही हो जाएगा। सल्तनतकालीन सुल्तानों में इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित की और इसके पूर्व जो राजधानी थी वह लाहौर थी। अगला क्वेश्चन है आपका,
पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो ये आपका जो है 2015 यूपीपीसीएस मेंस में जो है पूछा गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सही हो जाएगा गोपाल। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था और पाल वंश एक क्षत्रिय वंश था, वह बौद्ध मतानुयायी था तथा नालंदा में उसने एक विहार का निर्माण करवाया था। तो सी ऑप्शन जो है यहाँ सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है आपका, शेर शाह को दफनाया गया था कहाँ पर? तो इसे सासाराम में दफनाया गया था, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में शेर शाह ने 1540 से लेकर 1545 ईस्वी तक शासन किया। कालिंजर युद्ध के दौरान दुर्ग की दीवार से बारूद का गोला टकराकर फटने से उसकी मृत्यु हो गई थी। शेर शाह को बिहार के सासाराम रोहतास जिले में दफनाया गया है। इसका मकबरा अफगान स्थापत्य का शानदार नमूना माना जाता है। अगला प्रश्न है आपका, बाबर ने सर्वप्रथम पादशाह की पदवी धारण की थी? तो यह काबुल में, बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। बाबर ने अपने फरगना के शासनकाल में 1501 ईस्वी में समरकंद पर अधिकार किया, जो कि मात्र 8 महीने तक उसके कब्जे में रहा। समरकंद और फरगना का शासन उसके हाथों से निकल जाने के बाद उसने काबुल की ओर रुख किया और 1504 ईस्वी में काबुल विजय के उपरांत बाबर ने अपने पूर्वजों द्वारा धारण की गई उपाधि मिर्जा का त्याग करके नई उपाधि पादशाह धारण की थी। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ काबुल में। अगला क्वेश्चन है आपका, सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मीर जुमला ने। मीर जुमला का वास्तविक नाम जो था वह मोहम्मद सईद था। यह मूल रूप से अर्दिस्तान का रहने वाला था। वह व्यापार व्यवसाय करने के उद्देश्य से गोलकुंडा चला आया और प्रारंभ में यह हीरे का व्यापार करता था। बाद में वह गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह की सेवा में जाकर वजीर का पद प्राप्त किया और बादशाह शाहजहाँ ने मीर जुमला को 5000 का मनसब तथा उसके पुत्र मोहम्मद अमीन को 2000 का मनसब प्रदान किया। इससे खिन्न होकर गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह ने मीर जुमला के परिवार तथा संपत्ति को जब्त कर लिया। इससे क्रोधित होकर शाहजहां ने औरंगजेब को गोलकुंडा से युद्ध करने के लिए भेजा, पर दोनों में संधि हो गई। यह मीर जुमला यहां पर जो है मीर जुमला भी औरंगजेब से आ मिला और शाहजहां ने मीर जुमला को आगरा वापस बुलाया और उसे मुअज्जम खां की पदवी से सम्मानित किया था। इस अवसर पर मीर जुमला अपने साथ बादशाह के लिए अमूल्य भेंट लेकर आया। इसी अवसर पर उसने शाहजहां को कोहिनूर हीरे की भेंट दी थी, जो कि मूल्य तथा सौंदर्य से संसार में अद्वितीय समझा जाता है। तो यहां जो है आपसे पूछा गया, सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? तो मीर जुमला ने दिया था, सी ऑप्शन सही होगा यहाँ। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? तो वह था अब्दुल कादिर बदायूनी, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अकबर के आदेश से महाभारत के विभिन्न भागों का रजमनामा नाम से जो है फारसी में अनुवाद नकीब खां बदायूनी तथा फैजी आदि विभिन्न विद्वानों के सम्मिलित प्रयत्नों से किया गया। इसके अतिरिक्त बदायूनी ने जो है रामायण का और फैजी ने लीलावती का, फैजी ने किसका अनुवाद किया था? तो लीलावती का तथा अबुल फजल ने कालिया दमन का फारसी में अनुवाद किया था। कालिया दमन का अबुल फजल ने जो है फारसी में अनुवाद किया था। अब्दुल कादिर बदायूनी ने जो है रामायण का फारसी में अनुवाद किया था और रजमनामा जो कि महाभारत का जो है अनुवाद है फारसी में नकीब खां बदायूनी तथा फैजी आदि विभिन्न विद्वानों के सम्मिलित प्रयत्नों से जो है किया गया था। तो यहाँ आपका रामायण पूछा गया, तो डी ऑप्शन से हो जाएगा, अब्दुल कादिर बदायूनी। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिकंदर लोदी ने। 1504 ईस्वी में ये प्रश्न भी जो है पूछा गया है कि सिकंदर लोदी ने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के ध्येय से यमुना नदी के किनारे आगरा नामक नवीन नगर बसाया था। तो पूछा जाता है कि आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सिकंदर लोदी के द्वारा जो है आगरा शहर की स्थापना की गई थी। गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना सिकंदर लोदी द्वारा जो है किया गया था, तो सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था?
तो वह था जहांगीर। ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। जहांगीर से विवाह के बाद नूरजहां ने नूरजहां गुट का निर्माण किया। इस गुट के प्रमुख सदस्य जो थे वह एतमादुद्दौला या फिर जिसको मिर्जा गियास बेग कहा जाता था, जो कि नूरजहां के पिता थे। उसके बाद असमत बेगम नूरजहां की माँ थी, आसफ खान नूरजहां का भाई एवं शहजादा खुर्रम जो कि बाद में शाहजहाँ के नाम से जाना गया। इस गुट का प्रभाव जो था वह 1627 ईस्वी तक ही रहा। तो इसमें जहांगीर जो है सदस्य नहीं था। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था? तो वह था आपका कलीम। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। शाहजहां ने ईरानी फारसी पद्य शैली के कवि कलीम को राजकवि भी नियुक्त किया और कलीम के अतिरिक्त फारसी कवियों में सईदाई गिलानी, कुदसी, अमीर मोहम्मद कासी, सायगा, सलीम मसीह, रफ़ी, फारूक, मुनीर, सोदा और चंद्रभस ब्राह्मण, हाजिक, दिलेरी आदि जो है इसमें शामिल थे। तो यहाँ जो है आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ कि शाहजहाँ के शासनकाल में राजकवि कौन था, तो वह था कलीम। अगला प्रश्न है आपका, शिवाजी का जन्म कब हुआ तथा कब उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से होगा। जन्म उनका 1627 ईस्वी में हुआ था और छत्रपति की उपाधि उन्होंने 1674 ईस्वी में जो है धारण की थी। शिवाजी का जन्म जो है 1627 ईस्वी में सिवनेर के दुर्ग में हुआ था और शिवाजी ने 1674 ईस्वी में राज्याभिषेक के बाद छत्रपति की उपाधि धारण की और 53 वर्ष की आयु में 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है आपका, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण कराया गया था किसके द्वारा? तो ये आपका जो है 2014 UPPCS मेंस में जो है पूछा गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पल्लवों द्वारा। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण पल्लव शासक द्वारा कराया गया था। रथ मंदिर एकाश्म पत्थर से निर्मित हैं। तो बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। दोस्तों, अनअकैडमी जो है UPPSC RO मेंस के लिए एक प्रैक्टिस बैच लॉन्च कर रहा है, जो कि 22 दिसंबर 2020 को आपको पता है RO मेंस प्रस्तावित है। यह बैच आपको अपना सर्वश्रेष्ठ देने में काफ़ी हेल्प करेगा। इसमें आपको अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स द्वारा मार्क टेस्ट और डाउट सेशन के साथ लाइव मार्गदर्शन प्रदान किए जाएंगे। यह बैच आपका 12 अक्टूबर 2020 से जो है स्टार्ट हो रहा है। तो जो लोग भी जो है मेंस की तैयारी करना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप सबसे पहले इंस्टॉल करना होगा, उसके बाद आपको लॉगिन करना होगा, फिर जो है आपको सब्सक्रिप्शन लेना है 1 महीने 2 महीने 3 महीने जो भी है। उसके लिए आप यदि हमारा रेफरल कोड यूज करते हैं एग्जाम लर्नर, आप उसके लिए जो है कैपिटल लेटर में लिखिएगा एग्जाम लर्नर, एक ही साथ लिखिएगा आप, तो आपको जो है 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। 10% का डिस्काउंट मिलेगा कोई भी जो है आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी पर। यदि ये कोड यूज करते हैं आप एग्जाम लर्नर, तो आपको 10% की छूट मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में जो है बाकी लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ से भी जो है देख सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से किस चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया है? तो वह आपका मातवालीन, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मातवालीन नामक चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया है। अगला क्वेश्चन है आपका, चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी? तो वह था राजराज प्रथम, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चोल शासक राजराज प्रथम ने सिंघल जो कि श्रीलंका पर आक्रमण करके उत्तरी सिंघल को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया और विजित क्षेत्र में राजराज ने अनुराधापुर को नष्ट कर पोलोन रुआ को इस क्षेत्र की राजधानी बनाया और इसका नाम जननाथ मंगलम रखा था। ये ऑप्शन सही है यहाँ। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से भक्ति संतों का सही तैथिक कालानुक्रम अनुक्रम चुनिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ, कबीर, गुरु नानक, उसके बाद चैतन्य, फिर जो है मीराबाई। कबीर का जो उनका समय था 1398 से 1518 ईस्वी तक, उसके बाद गुरु नानक 1469 से 1539 ईस्वी गुरु नानक, उसके बाद जो है आपका चैतन्य 1486 से 1534 ईस्वी, और उसके बाद लास्ट में जो है मीराबाई। मीराबाई का समय था 1498 से लेकर के 1557 ईस्वी। तो कालक्रमानुसार से आपका कबीर, फिर गुरु नानक, कबीर, फिर जो है आपका गुरु नानक, उसके बाद जो है चैतन्य, फिर जो है लास्ट में मीराबाई। तो ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ।
अगला प्रश्न है आपका, दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? तो वह था इल्तुतमिश। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। इल्तुतमिश का शासनकाल जो रहा वह 1210 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी तक। इसने जो है दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था और इससे पूर्व ऐबक ने लाहौर से ही शासन किया था। इससे तो जो इल्तुतमिश ने ही जो है भारत में सल्तनत काल में सर्वप्रथम शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए थे और सल्तनत युग को के दो महत्वपूर्ण सिक्के चांदी का टंका और ताबे का जीतल इल्तुतमिश ने ही प्रारंभ किया था और सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा इसने ही शुरू की थी, इल्तुतमिश ने ही। और 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा से खिलअत का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ जिससे इल्तुतमिश वैध सुल्तान और दिल्ली सल्तनत स्वतंत्र राज्य बन गया था। और इल्तुतमिश को ही जो है गुलामों का गुलाम कहा जाता है, ये भी प्रश्न पूछा गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका, भारत में चिश्तियाँ संप्रदाय का प्रथम सूफी संत कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शेख मुइनुद्दीन चिश्ती। चिश्तिया सूफी मत की स्थापना अफगानिस्तान के चिश्त में अबू इसहाक सामी और उनके शिष्य ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती ने की थी, किंतु भारत में सर्वप्रथम इसका प्रचार ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा हुआ था। वे 12वीं शताब्दी में मुहम्मद गोरी की सेना के साथ भारत आए थे। उन्होंने अजमेर जो कि राजस्थान में है में अपना निवास स्थान बनाया और 1236 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इनके प्रमुख शिष्य थे। किसके? मुइनुद्दीन चिश्ती के। अगला प्रश्न है आपका, शेख फरीद का सर्वाधिक ख्याति लब्ध शिष्य जिसने दिल्ली के सात सुल्तानों का शासन देखा था कौन था? तो इसके पहले भी हम बताए हैं प्रश्न, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निजामुद्दीन औलिया ने। निजामुद्दीन औलिया ने जो है दिल्ली सल्तनत के सात सुल्तानों का शासन देखा था। अगला प्रश्न है आपका, जहांगीर कालीन निम्नलिखित में से किस एक चित्रकार को नादिर उल असर की उपाधि प्रदान की गई थी? तो यह था मंसूर को। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मुगल चित्रकला जहांगीर के शासनकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी। पहले चित्रकारी हस्तलिखित ग्रंथ की विषय वस्तु से संबंध होती थी और जहांगीर ने इसे इस बंधन से मुक्त कर दिया। फारूक बेग, दौलत मनोहर, मंसूर, अबुल हसन आदि उसके काल के ऐसे चित्रकार थे जिन्होंने अपनी कलात्मक प्रतिभा की बदौलत मुगल चित्रकला के इतिहास में अपना नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित करवा लिया। जहांगीर के समय के सर्वोत्कृष्ट चित्रकार उस्ताद मंसूर और अबुल हसन थे। सम्राट जहांगीर ने उन दोनों को क्रमशः नादिर उल असर यानी कि मंसूर को उस्ताद मंसूर को नादिर उल असर की और नादिर उद जमा की उपाधि जो है अबुल हसन को, तो ये भी जो है याद रखिएगा, अबुल हसन को नादिर उल जमा की नादिर उद जमा की उपाधि उसने दी थी। नादिर उद जमा की उपाधि अबुल हसन को दिया गया था और उस्ताद मंसूर को नादिर उल असर की उपाधि दी थी। तो यहाँ आपसे पूछा गया है कि जहांगीर द्वारा नादिर उल असर की उपाधि किसे दी गई थी, तो उस्ताद मंसूर को। डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है आपका, मुगल काल में मौलिम था, तो यहाँ जो है आपका डी ऑप्शन से एक जहाज का कर्मचारी यहाँ होना चाहिए, जहाज नहीं, जहाज का एक कर्मचारी होगा, तो डी ऑप्शन जो है यहाँ सही हो जाएगा आपका। मौलिम यह जहाज पर एक गोलाकार यंत्र के साथ बैठता था। इस यंत्र की सहायता से वह तारों तथा सूर्य की स्थिति का पता लगाता था तथा इससे उसे अपने जहाज की सही स्थिति में होने का पता चलता था। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन सही होगा, एक जहाज का कर्मचारी पूरा होना चाहिए यहाँ, एक जहाज का कर्मचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ था? तो ये आपका जो है UPPCS 2013 मेंस में जो है पूछा गया है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमोघवर्ष राष्ट्रकूट। ये ऑप्शन जो है यहाँ सही हो जाएगा। राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष फर्स्ट का जन्म जो हुआ था वह 800 ईस्वी में नर्मदा नदी के किनारे श्री भावन नामक स्थान पर सैनिक छावनी में हुआ था। इस समय इसके पिता राष्ट्रकूट राजा गोविंद तृतीय उत्तर भारत के सफल अभियानों के बाद वापस लौट रहे थे। अगला क्वेश्चन है आपका, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथनीय और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथनीय है आपका कि बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली थी, तो बिल्कुल सही है ये आपका। और कारण बी है कि वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था।
तो ये भी आपका सही है, लेकिन इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा, ए और आर दोनों सही है किंतु ए की समुचित व्याख्या आर नहीं है। ग्यासुद्दीन बलबन और दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का शासक था। इसने 1266 से लेके 1266 से 1287 ईस्वी तक शासन किया था। इसने सम्राट के पद को दैवीय घोषित कर सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली थी। इसने सिजदा व पैबोस प्रथा की शुरुआत भी की थी और बलबन ने मंगोलों के आक्रमण की रोकथाम के करने के उद्देश्य से उस उत्तर पश्चिम सीमा पर सुदृढ़ दुर्गों का निर्माण करवाया था। तो यहाँ आपका कहा जा सकता है ए और आर दोनों सही है किंतु जो है ए की समुचित व्याख्या आर नहीं है। तो याद रखिएगा सिजदा और पाबोस प्रथा की शुरुआत किसने की थी, तो ग्यासुद्दीन बलबन ने ही किया था। ये पूछा भी गया है क्वेश्चन आपका, नवरोज प्रथा की शुरुआत भी बलबन के द्वारा जो है की गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, सूची वन को सूची टू से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो एक तरफ आपका रचना दिया गया है, दूसरी तरफ लेखक, तो आपको मिलान करना है। तो चलिए देखते हैं, ये दिया गया आपका तबकाते अकबरी किसके द्वारा जो है लिखा गया है, तो ये निजामुद्दीन के द्वारा जो है लिखा गया है तबकाते अकबरी, ए का हो जाएगा तीसरा। बी है तबकाते नासिरी, यह मिनहाजुद्दीन बिन सिराजुद्दीन के द्वारा जो है लिखा गया है, तो बी का हो जाएगा दूसरा। और सी है तारीख फिरोज शाही, तो ये आपका जियाउद्दीन बरनी के द्वारा जो है लिखा गया है, सी का हो जाएगा चौथा। और डी है तारीख यामिनी, तो ये आपका अल उत्बी के द्वारा जो है लिखा गया है, डी का हो जाएगा पहला। तो यहाँ 3, 2, 4, 1 जिस ऑप्शन में होगा वैसे होगा। इसे याद रखिए, लगभग सभी एग्जामों में जो है इस तरह के अब प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो 3, 2, 4, 1 आपका ए ऑप्शन आप देख सकते हैं सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसे द्वितीय ताजमहल कहा गया है, तो वह आपका राबिया उद दौरानी का मकबरा को द्वितीय ताजमहल कहा गया है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। औरंगजेब ने औरंगाबाद में अपनी प्रिय पत्नी राबिया उद दौरानी के मकबरे का निर्माण 1678 ईस्वी में करवाया था। इसे बीबी का मकबरा भी कहा जाता है। इसकी स्थापत्य कला शैली सुप्रसिद्ध ताजमहल पर आधारित थी, अतः इसे द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है, किंतु ताजमहल की तुलना में यह मकबरा कम सुंदर है। ऐसी मान्यता है कि इस मकबरे का निर्माण औरंगजेब के शासनकाल में उसके पुत्र आजम शाह के निर्देशन में संपन्न हुआ था। तो यहाँ आपसे पूछा गया है द्वितीय ताजमहल, तो राबिया उद दौरानी के मकबरे को कहा जाता है, इसे बीबी का मकबरा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उज जमा की पदवी दी थी, तो इसके पहले अभी बताया गया अबुल हसन को जो है नादिर उल जमा की जो है उपाधि दी गई थी और उस्ताद मंसूर को जो है नादिर उल असर की उपाधि दी गई थी, तो ये ऑप्शन जो है यहाँ सही होगा आपका। अगला क्वेश्चन आपका, सूची वन को सूची टू के साथ मिलान करना है और कूट के माध्यम से बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ, तो चलिए देखते हैं। ये आपका दिया गया है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का संबंध हो जाएगा आपका चिश्तिया संप्रदाय से, तो ए का हो जाएगा तीसरा। उसके बाद बी दिया गया शेख अहमद सरहिंदी, तो इनका संबंध हो जाएगा नक्शबंदिया संप्रदाय से होगा, तो बी का हो जाएगा चौथा। उसके बाद सी है दारा सिकोह का संबंध होगा आपका कादिरिया से, तो सी का दूसरा हो जाएगा। और शेख शहाबुद्दीन का संबंध हो जाएगा आपका सुहारा वर्दिया से, तो डी का हो जाएगा पहला। 3, 4, 2, 1 जिस ऑप्शन में होगा वह सही हो जाएगा। 3, 4, 2, 1 आप देख सकते हैं विकल्प सी जो है सही है। अगला प्रश्न है, अब निम्नलिखित में से किसे भारत का सादी कहा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमीर हसन को। अमीर हसन ए देहलवी को उसकी उच्च गजलों के कारण उसे भारत का सादी कहा गया है। इनका पूरा नाम याद रखिएगा अमीर हसन ए देहलवी जो है इनका पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किसने सुप्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्यासुद्दीन तुगलक ने। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया और इसका निर्माण कार्य इल्तुतमिश के काल में जो है पूरा हुआ। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी चौथी मंजिल को काफ़ी हानि पहुँची थी, जिस पर फिरोज ने चौथी मंजिल के स्थान पर दो और मंजिलों का भी निर्माण करवाया। ग्यासुद्दीन तुगलक ने इसके निर्माण में कोई योगदान नहीं दिया था, तो सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, अष्ट प्रधान नाम की मंत्री परिषद थी, तो ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मराठा प्रशासन में।
शिवाजी ने राज्य के प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर अष्ट प्रधान की व्यवस्था की थी, जिसके अंतर्गत 8 मंत्रियों को नियुक्त किया गया था। इसमें पेशवा, अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडित राव एवं न्यायाधीश शामिल थे। ये शिवाजी के राज्य प्रशासन में आधुनिक काल के सचिवों की भांति कार्य करते थे। इनका कार्य राजा को परामर्श देना मात्र था और इसे किसी भी अर्थ में मंत्रिमंडल नहीं कहा जा सकता। प्रत्येक मंत्री राजा के प्रति उत्तरदायी होता था। तो यहाँ डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अब निम्नलिखित में से किसने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ताजुल माली ने। अकबर के शासनकाल में हितोपदेश का फारसी भाषा में अनुवाद मुफर्रीह उल कुलूब के नाम से ताजुल माली द्वारा किया गया था। तो नाम यदि पूछा जाएगा हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किस नाम से किया गया था, तो मुफर्रीह लिख दे रहे हैं हम, मुफर्रीह उल कुलूब, उल कुलूब के नाम से जो है अनुवाद किया गया था। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था? तो वह था आपका नक्शबंदिया, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना 14वीं सदी में ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद ने की थी। तो यहाँ जो है आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि सूफीवाद के सिलसिले में कौन संगीत के विरुद्ध था, तो वह था आपका नक्शबंदिया। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता या तूतीय हिंद जिसको कहा जाता है कहा था? तो वह था अमीर खुसरो, सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो इनका पूरा नाम था, जिसे प्रायः अमीर खुसरो के नाम से जाना जाता है। अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में जो है उत्तर प्रदेश के वर्तमान कासगंज काशी रामनगर जिले के पटियाली नामक स्थान पर हुआ था। खुसरो ने जो है स्वयं को तूतीय हिंद कहा था। तो यहाँ जो है आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था? तो ये आपका UPPCS 2012 जो है मेंस में पूछा गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाबर एवं इब्राहिम लोदी के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध जो है अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था। और इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। और इस युद्ध में बाबर ने उज्बेकों की युद्ध नीति, तुलुगमा युद्ध प्रणाली और तोपों को सजाने में उस्मानी विधि का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है आपका, टोडरमल संबंधित थे? तो यह मालगुजारी सुधारों से संबंधित थे, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अकबर द्वारा भू राजस्व व्यवस्था के पुनर्निर्धारण हेतु 1570 और 71 ईस्वी में मुजफ्फर खां तुर्बती और राजा टोडरमल को अर्थमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था। राजा टोडरमल ने अलग अलग फसलों पर नकद के रूप में वसूल की जाने वाली लगान राशि का जो है 1571 से 1580 ईस्वी के मध्य लगभग 10 वर्ष का औसत निकालकर उस औसत का एक तिहाई भू राजस्व के रूप में निश्चित किया था, जिसे दहशाला मालगुजारी व्यवस्था कहा गया। आईने दहशाला व्यवस्था को टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है आपका, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। तो चलिए देखते हैं, पहला आपका दिया गया हल्दी घाटी का युद्ध, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सॉरी हल्दी घाटी का युद्ध जो है ये अकबर और राणा प्रताप के विरुद्ध जो है हुआ था। तो यहाँ ये कहा जाएगा दूसरा। उसके बाद बिलग्राम का युद्ध, ये आपका हुमायूं और शेर शाह के बीच हुआ था, तो यहाँ आपका हो जाएगा बी का तीसरा। उसके बाद सी है खुसरो का विद्रोह, तो यह जहांगीर के खिलाफ हुआ था, तो सी का हो जाएगा चौथा। और खानवा का युद्ध, ये आपका बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था, तो डी का हो जाएगा पहला। 2341 जिस ऑप्शन में होगा वह सही हो जाएगा आपका, 2341 आप देख सकते हैं विकल्प ए ही जो है सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित वंशों ने किस क्रम में दिल्ली पर शासन किया था? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला आपका खिलजी, दूसरा है लोदी, तीसरा है सैयद और चौथा है गुलाम। तो यहाँ जो है आपका क्रम जो है लगाने के लिए दिया गया है, तो सबसे पहले हो जाएगा गुलाम वंश या फिर जो है मामलूक वंश इसे कहा जाता था। ये आपका 1206 से लेके 1290 ईस्वी तक शासन किए। गुलाम वंश हो जाएगा सबसे पहले यानी कि चौथा। तो आप देख सकते हैं यहाँ डी ऑप्शन में केवल चौथा पहले है, तो ये आप चाहे तो टिक कर सकते हैं। 4132 सही होगा यहाँ। फिर भी देख लेते हैं, गुलाम वंश, फिर जो है खिलजी वंश होगा,
गुलाम वंश के बाद जो है खिलजी वंश का शासनकाल जो था वह 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी तक। उसके बाद खिलजी वंश के बाद जो है तुगलक वंश आए थे। तुगलक वंश के बाद जो है आपका यहाँ दिया गया ऑप्शन में सैयद वंश। सैयद वंश का शासनकाल जो था वह 1414 से लेकर 1450 ईस्वी तक था। उसके बाद जो है आपका सैयद के बाद आ गए लोधी वंश। लोधी वंश का शासनकाल जो था वह 1451 से लेकर के 1526 ईस्वी तक। तो यहाँ जो है आपका 4132 क्रम सही है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, मुगल काल में दरबारी भाषा थी, तो यह था फारसी, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मुगल काल में दरबारी भाषा फारसी थी और अकबर द्वारा स्थापित अनुवाद विभाग में संस्कृत, अरबी, तुर्की एवं ग्रीक भाषाओं की अनेक कृतियाँ का जो है अनुवाद फारसी भाषा में भी किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अब दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो कि खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विधाओं में माहिर था, तो वह था आपका मोहम्मद बिन तुगलक, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक, इसका शासनकाल था 1325 से लेकर 1351 ईस्वी तक। यह सर्वाधिक विद्वान एवं शिक्षित शासक था। वह खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विधाओं में निपुण था। अगला क्वेश्चन है, अब निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था, तो वह था आपका इल्तुतमिश, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके पहले जो है राजधानी कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा जो है लाहौर में जो है स्थापित किया गया था। इल्तुतमिश के शासनकाल में जो दिल्ली को सल्तनत की जो है राजधानी के रूप में स्थापित किया गया, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, महोदया किसका पुराना नाम है, तो ये आपका सी सही हो जाएगा, कन्नौज का पुराना नाम। अगला क्वेश्चन है, अब आपका किस चिश्ती संत की दरगाह पर अकबर दर्शन हेतु अधिक जाता था, तो वह आपका मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो है दरगाह पर। अकबर ने सूफी मत में अपनी आस्था जताते हुए चिश्तिया संप्रदाय को समर्थन दिया था। वह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर स्थित दरगाह पर दर्शन हेतु अक्सर जाता था, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। और अगला प्रश्न है, अब आपका चित्रकला की मुगल शैली को आरंभ किया था किसने, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हुमायूं ने। मुगल सम्राट हुमायूं ने फारस एवं अफगानिस्तान में अपने निर्वासन के दौरान मुगल चित्रकला की नींव रखी थी। वहां से भारत आते समय वह फारस के दो प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दु समद फारस ख्वाजा अब्दु समद को जो है दिल्ली लाया था, जिन्होंने मिलकर एक उन्नत कला संगठन की स्थापना की थी। तो याद रखिएगा उन दोनों जो है चित्रकारों के नाम कौन थे, मीर सैयद अली, एक था आपका मीर सैयद अली और दूसरा जो था अब्दु समद, दूसरा था आपका अब्दु समद, तो ये दो चित्रकार थे। डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा कि चित्रकला की मुगल शैली को किसने शुरू किया था, हुमायूं ने, डी ऑप्शन जो है सही हो गया यहाँ। अगला प्रश्न है, अब आपका निम्न में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है, तो वह आपका अमीर खुसरो, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हिंदी खड़ी बोली का जनक अमीर खुसरो को माना जाता है। वे नई काव्य शैली सबक ए हिंदी या फिर हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, अब आपका दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो यह आपका माहम अनगा के द्वारा स्थापित किया गया था, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। महामनगा ने दिल्ली के पुराने किले में खैर दल मंजिल नामक मदरसे की स्थापना कराई थी, जिसे मदरसा ए बेगम कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, अब निम्नलिखित सूफियों में कौन कृष्ण को औलिया के अंतर्गत मानता था, तो वह था मोहम्मद गौस, डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। सतारी संप्रदाय के प्रमुख सूफी संत थे मोहम्मद गौस। ये कृष्ण को औलिया के रूप में मानते थे। वे ग्वालियर के रहने वाले थे और शेख मोहम्मद गौस की हिंदू धर्म में विशेष रुचि थी। उन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया और कलीद ए मखाजिन नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें सूफी सिद्धांत और हिंदुओं के ज्योतिष के साथ संबंधों का विश्लेषण किया। इनकी सबसे अधिक विख्यात रचना जवाहिर ए खमसा है। सतारी संप्रदाय या सिलसिले की स्थापना अब्दुल्ला सतारी ने की थी, तो यहाँ का डी विकल्प सही हुआ कि निम्नलिखित सूफियों में कौन कृष्ण को औलिया के अंतर्गत मानता था, तो वह था मोहम्मद गौस। तो दोस्तों जो है ये था आपका UPPCS 2012 से लेकर के 2017 तक के मेंस एग्जाम में जो है पूछे गए मध्यकालीन इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके पहले जो है
पार्ट वन में आपका UPPCS 2012 से लेकर के 2019 तक के पूछे गए प्री में सभी प्रश्नों को जो है कराया गया था। तो जो लोग नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में आप लिंक दे दिया गया है पार्ट वन का, वहां से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी दे दिया गया, वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों जो है ना अकेडमी पर UPPSC 2021 का फाउंडेशन कोर्स बैच स्टार्ट हो गया है 16 सितंबर से। तो जो लोग भी जो है अनअकैडमी से जुड़कर UPPSC की तैयारी करना चाहते हैं वह उनके लिए जो है प्रत्येक बुधवार को UPPSC के टॉप एजुकेटर्स द्वारा नया बैच जो है स्टार्ट किया जाता है। तो यदि आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा। लर्निंग ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपको लॉगिन करना होगा मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी के थ्रू। उसके बाद आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है तो आप ये रेफरल कोड यूज कीजिएगा एग्जाम लर्नर। यदि आप रेफरल कोड यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। कोई भी बैच का सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा वहाँ। तो ये कोड जो है यूज जरूर कीजिएगा आप लोग। और डिस्क्रिप्शन में भी जो है आपको लिंक भी दिया गया है, वहाँ से भी जो जाकर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।